नाज़रीन, क्रिकेट का खेल 200 साल पुराना है। क्रिकेट जब शुरू में अपनी इब्तदाई शक्ल में थी तो वो खिलाड़ी जो विकेट पर ज़्यादा कयाम करता था उसको बड़ा खिलाड़ी समझा जाता था। और दुनिया में अभी तक लंबी यानी कि तवील इनिंग्स खेलने के बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और इन रिकॉर्ड्स में अक्सर ये कहा जाता है कि ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि क्रिकेट इतनी तेज़ हो चुकी है कि इसको रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किसी भी खिलाड़ी के पास इतना सब्र नहीं होगा। हनीफ मोहम्मद की 977 मिनट वाली बारी को देखा जाए तो वो भी क्रिकेट की सब्र आजमा बारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि द लेजेंड, जो दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन हैं, जिनको कहा जाता है कि वो अगर ना होते तो क्रिकेट को शायद ये पहचान न मिलती, सर डॉन ब्रैडमैन, जिनकी 100 के करीब एवरेज थी टेस्ट क्रिकेट में। उसके अलावा अगर क्रिकेट को तेज़ करने में किसी खिलाड़ियों ने अपना हिस्सा अदा किया तो उनमें सर वेवन रिचर्ड्स शामिल थे, जिन्होंने क्रिकेट के आकर यकसर शक्ल बदल कर रख दी। और उसके बाद वरिंदर सहवाग, सईद अनवर, उसके बाद रमेश कालूवदरना, सिनत जयसूर्या, और उसके बाद न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग, यानी कि बहुत से ऐसे बल्लेबाज ओपनिंग में आए जिन्होंने क्रिकेट को तेज़ करने में मदद फराहम की। लेकिन क्रिकेट में जब छक्कों की बात आती है तो छक्कों में बहुत बहुत खिलाड़ियों ने छक्के लगाना भी शुरू किए और क्रिकेट की तमाम शक्ल को तब्दील करके रख दिया। लेकिन क्रिकेट में अभी भी तमाम शॉट्स में, यानी कि अगर हम बात करें स्ट्रेट ड्राइव की या पुल शॉट की या फाइन लेग पे शॉट मारने की या स्वीप शॉट की बात करें या दिलशान स्कूप की बात कर लें या डिविलियर्स की 360 एंगल्स की बात कर लें, तो क्रिकेट में अभी भी कवर ड्राइव को सबसे मोतबर शॉट कंसीडर किया जाता है। ये कहा जाता है कि जिस प्लेयर को सबसे खूबसूरत कवर ड्राइव मारनी आती है या सबसे खूबसूरत कवर ड्राइव खेलना आती है, वो प्लेयर वाकई में मुकम्मल बैट्समैन है। इसकी मिसाल सचिन तेंदुलकर की कवर ड्राइव को देखने के लिए लोग शिदाई हो जाते थे, पागल हो जाते थे कि सचिन तेंदुलकर की कवर ड्राइव क्या कहने, सुभान अल्लाह। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के बैट्समैन बाबर आजम की कवर ड्राइव और भारतीय द लेजेंड बल्लेबाज विराट कोहली की कवर ड्राइव के ऊपर अक्सर बहसो मुबहसा होता है कि किसकी कवर ड्राइव उम्दा है। कोई कहता है कि बाबर आजम की कवर ड्राइव क्लास है, तो कोई कहता है विराट कोहली की कवर ड्राइव में जो दम खम है वो बाबर आजम की कवर ड्राइव में नहीं है। खैर, ये बहस चलती रहती है और कभी भी बाबर आजम या विराट कोहली ने खुद ये नहीं कहा कि मेरी कवर ड्राइव अच्छी है, या विराट कोहली ने ये कहा हो कि बाबर आजम की कवर ड्राइव अच्छी है, या बाबर आजम ने कहा हो कि विराट कोहली अच्छा कवर ड्राइव खेलते हैं। लेकिन साबिक क्रिकेटर्स ये कहते नज़र आते हैं कि बाबर आजम की कवर ड्राइव बहुत उम्दा है। इसकी मिसाल नासिर हुसैन की भी है कि नासिर हुसैन, जो कि इंग्लैंड के साबिक कप्तान थे, बल्लेबाज थे, उन्होंने कई दफ़ा तकनीकी एतबार से बाबर आजम को विराट कोहली से अच्छा बैट्समैन तसव्वुर किया है। लेकिन ये जो खबर है, ये जो आज का पैकेज है, इसमें डेविड मिलर जो है साउथ अफ्रीकन बाएँ हाथ के बल्लेबाज हैं, उनका कहना है कि बाबर आजम की कवर ड्राइव विराट कोहली से 1000 गुना बेहतर है। ये बात डेविड मिलर ने पीएसएल के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बाबर आजम की कवर ड्राइव, इसमें कोई शिबा नहीं, कोई शक नहीं कि वो विराट कोहली से 1000 गुना बेहतर है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जब कवर ड्राइव खेलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे क्रिकेट अभी तक एक आर्ट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। डेविड मिलर ने यह बात पीएसएल के दौरान कही और वो अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए जब उनसे सवाल किया गया कि इस वक्त बाबर आजम या विराट कोहली में से कवर ड्राइव अच्छा कौन खेलता है, तो उन्होंने कहा कि वो बाबर आजम ही हैं, क्योंकि उनकी कवर ड्राइव में एक मुकम्मल आर्टिस्टिक किस्म की झलक नज़र आती है। और उन्होंने ये बात कही कि विराट कोहली दुनिया के नंबर वन बैट्समैन है, लेकिन बाबर आजम जो है उनकी कवर ड्राइव उनसे बहुत बेहतर है। डेविड मिलर की इस बात के अलावा बहुत से ऐसे साबिक क्रिकेटर, जिनमें आकाश चोपड़ा भी शामिल है, जो विराट कोहली से ज़्यादा बाबर आजम की कवर ड्राइव की तारीफ कर चुके हैं। खैर, बाबर आजम और विराट कोहली का ये बड़ा फन है कि उन्होंने कभी भी वो खुद को कवर ड्राइव के हवाले से, किसी भी शॉट के हवाले से हरफन मौला करार नहीं दिया। और बड़े प्लेयर की यही खासियत होती है कि वो कभी भी खुद को बड़ा नहीं कहता। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।